अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि टू मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह। Who is Nambi Narayan? Why they are trapped by the fake spy scandal? Even he was one of the top most scientists in ISRO. Nambi Narayan, 31 born ISRO के साइंटिस्ट थे जो क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड इंजन पे काम कर रहे थे। इवन उस वक्त APJ अब्दुल कलाम, आप जानते हो कि जो इंडिया के टॉप साइंटिस्टों में गिने जाते हैं, उस वक्त वो सॉलिड मोटर्स पे वर्क कर रहे थे, जबकि एज कम्पेयर टू लिक्विड मोटर्स पे था। लिक्विड मोटर्स पे काम करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था और उस वक्त उस लिक्विड मोटर्स पे Nambi Narayan वर्क कर रहे थे। तो 1970 में Nambi Narayan 600 kg का एक लिक्विड मोटर्स को डेवलप करते हैं। फिर बाद में 1992 में रसिया और इंडिया के बीच ऐसे एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके तहत रसिया इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई करेगा। उसके बाद वो रसिया टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेगा जो 235 करोड़ में डील की जाती है। लेकिन ये बात अमेरिका को कहीं ना कहीं चुभ जाती है कि अगर रसिया इनके बीच में इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है तो रसिया इंडिया को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा। बाद में उनको पता था कि Nambi Narayan एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बाद में खुद से भी डेवलप कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी का पता चल गया, लेकिन बाद में खुद से भी डेवलप कर देते हैं। लेकिन उस वक्त एक ऐसी कंस्पिरेसी, एक ऐसे षड्यंत्र के तहत इसको रद्द कर दिया जाता है और उसको रशिया फिर बाद में सिर्फ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करती और अपने क्रायोजेनिक इंजन को सेल करती है 235 करोड़ में। लेकिन Nambi Narayan कंटिन्यूसली इस पर वर्क करते हैं क्रायोजेनिक इंजन पे। और उसके बाद 1994 में इनको एक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया जाता है ताकि उसको पता है कि बाद में Nambi Narayan इस पर काम करके कैसे इंजन को डेवलप कर सकते हैं, इसलिए उसको इससे पहले इसको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। Nambi Narayan पे एक ऐसे एलिगेशन डाला जाता है कि वो जो इंडिया की टेक्नोलॉजी को, क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान समेत बाकी बाहर ऐसे और कंट्री में उनकी टेक्नोलॉजी को सेल कर रहे हैं, बाद में ये इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएंगे, तो ऐसे केस में इनको फंसा दिया जाए। लेकिन होता क्या कि अमेरिका एक ऐसे षड्यंत्र को रचता है ताकि केरला पुलिस और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनको यूज करता है और उनको षड्यंत्र के तहत इनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनको बदनाम किया जाता है ताकि उन्होंने और उनके बाद फिर उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। 50 दिनों के लिए इन पर रिमांड पर ले लिया जाता है और उन पर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। दे आर गिविंग अ 3rd degree एंड दे आर टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, दे आर इंटरोगेटेड बाय द पुलिस। उसके बाद भी होता क्या है कि CBI इस केस को ले लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं थे कि उनको गिल्टी करार दिया जाए, बट दे आर नॉट गिल्टी एंड दे आर फ्रीड फ्रॉम दिस केस। फाइनली दे गॉट बेल इन 1998। लेकिन उसका क्या होगा जो इनके खिलाफ रचा गया, जो इनके षड्यंत्र को रचा गया है, जो कंस्पिरेसी को रचा गया इनके खिलाफ, लेकिन उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है, ये कैसे रिटर्न आएगा? किसी की आप इज्जत की धज्जियां उड़ा दो और उसको फिर बाद में उसको क्लीन चीट दे दो, कहाँ का रूल है? तो फिर वह कुछ ऐसा करती है। 2013 में कोई ख्याल आता है कि उन्हें एक जस्टिस की डिमांड की जाए, तो नवंबर 2013 में जस्टिस की डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट से। फिर उसके बाद 2018 में जो भी उनके कंस्पिरेसी के पार्ट थे, जो भी इन पे काम किए थे, उनको मुआवजा भरना होता है 50 लाख का। फिर फाइनली गवर्नमेंट 1.3 करोड़ का जो मुआवजा देती है उनको, क्योंकि उनके डिग्निटी को हट किया जाता है, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है। एक ऐसे साइंटिस्ट जो काफ़ी ईमानदार थे, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी बड़ा इनका हाथ रहा है, इसके बावजूद भी उनको बदनाम किया जाता है और उनको हटा दिया जाता है। इवन उस वक्त इसरो को एटलीस्ट इन पे हेल्प करनी चाहिए, इन पे भरोसा करनी चाहिए थी उनकी, लेकिन इसरो भी उन पे भरोसा नहीं करती है और उनको वहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे भी बड़ी खुशी की बात यह कि इस पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रॉकेटरी, जिनके डायरेक्टर हैं आर माधवन और कई एक्टर्स भी हैं, शाहरुख खान जैसे कई और भी एक्टर्स हैं इन पे जो इन पे काम कर रहे हैं। आपको ये मूवी देखना चाहिए, कहानी के बारे में पता चले, इनकी बायोग्राफी के बारे में आपको पता चले कि रियल में वाकई में इनके साथ क्या हुआ था।